सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। अज दे वीडियो दे विच आपां बेसन दे लड्डू बना के तैयार करांगे। ये लड्डू बहुत वधिया बन के तैयार होगे। जिवें दे आपां बेसन दे लड्डू बाजार दे विचों लैके आंदे आ, इह लड्डू उन्हां लड्डूआं नालों भी ज़्यादा वधिया बनूंगे। इहदे लई जिहड़ा समान लिया आ, समान पहलां आपां देख लैंदे आ। 250 ग्राम बेसन लिया आ, ये मोटा बेसन मैं लिया आ। मोटे बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा स्वाद बनते हैं। जां तां तुसीं सारा मोटा बेसन इदा लै सकते हो, नहीं तो तुसीं अद्धा बरीक ते अद्धा मोटा दोनों बेसन रला के भी लै सकते हो। जिन्ना बेसन लिया आ उन्नी आपां बूरा खंड लई आ। 250 ग्राम बूरा खंड आ, 200 ग्राम देसी घ्यो आ। देसी घ्यो जिहड़ा आ तुसीं बराबर दी मात्रा दे विच भी लै सकते हो। जिन्ना बेसन लैणा आ उन्ना देसी घ्यो भी लै सकते हो। हलवाई जिहड़े आ उह बराबर दी मात्रा दे विच लै के ही बेसन दे लड्डू बनांदे आ, पर मैं घट घ्यो लिया 200 ग्राम ते 200 ग्राम दे विच भी लड्डू बहुत ज़्यादा वधिया बनूंगे। 3 चमचे खरबूजे दे बीज आ, 1 चमचा जिहड़ा आपां इहदे विच पावांगे इलायची पाउडर। 8-10 इलायचियां लईआं, इलायचियां नूं कुट के उहदा पाउडर बना लिया। बेसन नूं भुन्नण लई जिहड़ी कड़ाही लैणी आ तुसीं थोड़ी जिही भारे तले दी लैणी आ। इहदे विच असीं घ्यो पा देणा आ, थोड़ा जिहा घ्यो मैं बचा लिया। घ्यो नूं थोड़ा गर्म कर लाँगे, सेक ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, मीडियम सेक के उपर ही आपां बेसन नूं भुन्नना आ। घ्यो हो गया गर्म, बेसन पा देंगे। लगातार हिलाते हुए मीडियम सेक के उपर असीं बेसन नूं भुन्नना आ। बेसन नूं हमेशा घट सेक ते भुन्नना चाहिए आ, इस करके कढ़ाई जिहड़ी आपां मोटे तले दी लई आ ताकि बेसन छेती थले ना लगे। बेसन नूं जदों भुन्नना है कड़छी जिहड़ी है ऐन थले तक मारनी है, क्योंकि बेसन बहुत छेती थले लग जाता है। इहनूं भुन्नण लई 14 तों 15 मिनट सानूं लगने आ। मीडियम जे सेक दे उत्ते असीं इहनूं भुन्न के तैयार करांगे। 3-4 मिनट हो गए आ बेसन नूं भुंनदे हुए। बेसन देखो अगे नालों फुलना शुरू हो गया। जदों बेसन भुन्निया जांदा थोड़ा जिहा, उस तों बाद इह फुलन लग जांदा आ। इहदे उपर इस तरीके दे नाल झाग आणी शुरू हो जांदी आ। ते जदों बेसन पूरी तरहां भुन्निया जाणा आ इह झाग आपणे आप खत्म हो जाणी आ। जदों शुरू दे विच असीं घिओ दे विच बेसन पाउंदे आ उस टाइम सानू लगता है कि घ्यो घट आ, पर जो बेसन नूं असीं थोड़ी देर भुनते हैं उस तो बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि बेसन फिर पतला पै जाता है। बेसन का रंग अगे नालों काफ़ी ज़्यादा बदल गया। देखो 8-10 मिनट हो गए बेसन नूं भुनते हुए। घट सेक के उत्ते 5 तों 7 मिनट तक हले असीं इहनूं होर भुनना है। बेसन नूं भुन्नण टाइम कदी भी काली नहीं करनी, सेक घट रखना आ। जे असीं तेज़ सेक दे उपर बेसन नूं भुन्नीए तां बेसन सानूं लगदा आ भुन्निया गया, पर अंदरों इहदे कच्चेपन दा स्वाद रह जांदा आ। 15 तों 16 मिनट तक असीं बेसन नूं भुन्निया आ। बेसन चंगे तरीके दे नाल भुन्निया गया आ, बहुत ज़्यादा वधिया खुशबू बेसन दे विचों आउणी शुरू हो गई आ। गैस आपां बंद कर देनी आ। गैस बंद करके 2-3 मिनट तक असीं बेसन नूं इदां ही हिलाते रहना आ ताकि बेसन जिहड़ा आ थले ना लगे। उस तो बाद असीं इहनूं ठंडा करांगे। इन्ना कु ठंडा कर लेना आ कि साढ़े हाथ जिहड़े आ बेसन नूं छू सकन, क्योंकि बेसन जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जदों आपां लड्डू बनाने आ। ये चीज़ का तुसीं जरूर ध्यान रखना आ। हुण लवांगे एक फ्राई पैन, इहदे विच 1 चमचा असीं घिओ दा पा देना आ। जिहड़ा घिओ आपां बचा के रख्या सी उस घिओ दा इस्तेमाल कीता आ। 4 मगज जिहड़े आ पा के असीं थोड़े जिहे भुन लैणे आ। भुन के इहनां दा स्वाद वधिया आउंदा आ। जदों मगज भुन्ने जांदे आ उहनां दे विचों इहदा चटकण दी आवाज़ आउणी शुरू हो जांदी आ, फिर पता लग जांदा आ ते फुल भी जांदे आ। इह गैस बंद करती इहनां नूं आपां बेसन दे विच मिला देणा आ। इलायची पाउडर भी पा देंगे, मिला लेंगे। मिला लिया, बूरा खंड भी नाल ही पा देनी है। बेसन ठंडा हो गया,
कभी भी गर्म बेसन दे विच बूरा खंड नहीं मिलानी। बेसन जो ठंडा हो जाए उस तो बाद बूरा खंड मिलानी है। बेसन इन्ना कि गर्म हो गए कि अपन लड्डू बट सकी। बूरा खंड ते बेसन नू चंगे तरीके दे नाल मिला लिया। हुण इहदे अपां लड्डू बटने आ। जिन्ना कु वड्डा तुसी लड्डू रखना आ उहदे हिसाब दे नाल बेसन लै लेना है ते थोड़ा जिहा हथ दे नाल इहनू बेसन नू दब के फिर लड्डू बनाने आ। जे एक सार लड्डू बनाने हैं फिर तुसी किसे चमचे दे नाल नाप लै लेना है। नाप लै के फिर इको सार लड्डू बट लेने। सारे लड्डू पैर दी बट के तैयार कर लेने। सारे लड्डू बट के तैयार। बेसन दे लड्डू बन के तैयार ने। लड्डू बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होए आ। एक लड्डू मैं तुहानू तोड़ के दिखाउंदी आ। एकदम दाणेदार लड्डू ते जिवें दे आपां बाज़ार दे विच्चों लड्डू लैके खाने आ बिल्कुल उसे तरह के ने लड्डू बने ने। उन्हां तों वी ज़्यादा ये स्वाद बन के तैयार होए आ। जिन्ने ज़्यादा देखण दे विच वधिया लगदे पए आ खाण दे विच वी इन्हां दा स्वाद उन्ना ही ज़्यादा वधिया आ। जदों तुसीं बेसन दे विच बूरा खंड नूं मिलाउणा आ एक चीज़ का ध्यान रखना आ कि बेसन गर्म नहीं होना चाहिए। जदों बेसन ठंडा हो जाए उदों तुसीं उहदे विच बूरा खंड नूं मिलाउणा आ। हल्का जिहा बस बेसन गर्म होवे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जे ज़्यादा गर्म होगा बेसन तो जदों आपां बूरा खंड उहदे विच पाणी आ ते फिर चीनी ने पिघल जाणा ते बेसन ने पतला हो जाणा आ ते लड्डू फिर उहदे तुहाडे सही नहीं बट होणे। तुसीं इहनां नूं इसे तरीके दे नाल बना के खाओ। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली वारी आके वीडियो देखदे पए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखण लई बहुत बहुत धन्यवाद।